हेलो दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिएगा, आज का वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा 12th पार्ट है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान देख रहे हैं। और हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और 20 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं हर वीडियो में। तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश करना आपके सभी जो है वो क्वेश्चन सही निकलें। और इसमें हम जो है वो टारगेट लगते हैं करीबन 70 से आपके जो है वो 20 के बीच में जो है इसके नंबर आ जाने चाहिए। आसान क्वेश्चन है, कुछ थोड़े अच्छे भी हैं, तो अगर आपके इतने नहीं आते तो बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना, और कोशिश करना जो आपको ना क्वेश्चन बने वो आप याद रखना। चलिए तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाकी के आप वीडियो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सभी वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, खजुराहो नृत्य समारोह का प्रारंभ कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1976 में। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खजुराहो की बात की जा रही है, तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो खजुराहो जो है वो छतरपुर में है, जो कि यहाँ पर ये मधुरा मंदिर है उसके लिए जाना जाता है। और इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था, जो कि 950 से 1050 के बीच में, ईस्वी के बीच में। ओके, इसको खजुराहो को जो है वो यूनेस्को में शामिल किया गया था 1986 में, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर देश का पहला हीरा संग्रहालय भी खोला जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मंदिर है मोस्टली, जो कदरिया हुआ, 64 योगिनी हुआ और दूल्हा देव मंदिर हुआ, तो ये मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाए कि इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी, तो याद रखना राजा चंद वर्मा के द्वारा। और अगर आपसे पूछ लिया है कि निर्माणकर्ता कौन है, तो यशो वर्मन। ओके, यशो वर्मन, तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों है भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भोपाल की यहाँ पर बात की है, तो भोपाल है भारत देश की, बात की जाए कैपिटल, जो कि हम बात की जाए पूरे कैपिटल के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल है भोपाल। शहर में इंदौर है, तो ये आपको याद रखना है। भोपाल में जो है वो वन विहार नेशनल पार्क है, ऐशबाग स्टेडियम हुआ, राजा भोज की नगरी कहा जाता है भोपाल को, झीलों की नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है वो भारत भवन, रविंद्र भवन, तो ये सभी जो है वो भोपाल में है, तो याद रखना मोस्टली जो है भोपाल से यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन व सांची के स्तूप का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो आई होप सभी को पता होगा, सम्राट अशोक के द्वारा जो है ये करवाए गए थे। और सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश से संबंधित थे, लेकिन बौद्ध धर्म जो है इन्होंने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म, तो उसके बाद जो है इसका निर्माण करवाए गए थे जो भी सांची स्तूप थे। तो मोस्टली जो है आप याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मौर्य वंश। ओके, तो उसके बाद जो है वो इन्होंने जो कलिंग का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, और फिर जो है वो स्तूप जो अभी 84,000 स्तूपों का जो है वो निर्माण करवाया गया था। स्तूपों की बात की जा रही है, तो सांची जो है नाम आता है, और जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है 1989 में, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के प्रतापी शासक पुष्पमित्र शुंग ने इनमें से किस स्थान पर शासन किया था? इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सिलेबस जो है वो एमपी का ऐड हो चुका है, तो ये आपके पीएससी, एसआई और बाकी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं मध्य प्रदेश में, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विदिशा से संबंधित है, इनका नाम याद रखना है पुष्प मित्र सुंग। ओके, विदिशा की बात की जा रही, तो इसे भेलसा वेशनगर के नाम से जाना जाता था। उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं, और यहाँ पर जो है वो नोबल पुरस्कार विजेता, जो इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, तो इनको जो है वो 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था पीस के लिए, क्योंकि इनके द्वारा जो है वो बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं ये। यहाँ पर हलाली बांध है, डैम है, जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है वो हेलियोडोरस स्तंभ भी स्थित है विदिशा में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में जयजाक, जयजाक तो यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, जयजाक मुक्ति क्षेत्र जो का वर्तमान नाम क्या है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सा जो है वो क्षेत्र कहाँ पर है।
तो मध्य प्रदेश का कुछ इस तरीके से मैप है। तो देखिए यहाँ पर, ये तो आपको पता है, ये मालवा का हो जाएगा क्षेत्र। बीच में अगर बात करें तो नर्मदा सोन घाटी है, ओके। और यहाँ पर बात की जाए तो ये जो है वो सतपुड़ा का है, पचमढ़ी यहाँ पर है। और बीच की यहाँ पर हम देखा जाए तो ये यह है यहाँ पर बघेलखंड, और बीच में जो है वो विंध्य। और यहाँ से बात की जाए तो ये आता है बुंदेलखंड, ओके, सागर हुआ ये सभी जो। और ये नॉर्थ का जो हो गया, ये मध्य भारत का पठार हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको याद रखना है सबसे बड़ा जो है वो मालवा का जो पठार है, क्षेत्र है, सबसे बड़ा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुंदेलखंड यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेपात्र नामक कृति इनमें से किसकी रचना है, ये पूछी गई है, किसकी है ये पूछी गई है, कृति है ये किसकी है, तो इनका नाम याद रखना है, गजानन माधव मुक्ति बोध, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है, ये पूछा गया है। तो आई होप सभी को पता होगा, कई बार मैंने जो है इसको बताता हूँ, तो ये है बुरहानपुर, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बुरहानपुर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे पूर्वी की बात की जाए तो सिंगरौली, पश्चिमी की अलीराजपुर, उत्तर की मुरैना। सभी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आला कांड किसकी रचना है। तो आला कांड देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था जो आला उदल थे वो कहाँ से संबंधित थे, महोवे से संबंधित थे, महोवे स्थान से संबंधित हैं। और यहाँ पर बोध कीजिए जो आला कांड है वो किसकी रचना है, तो ये इनका नाम याद रखना है जगनिक, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला देश का प्रथम राज्य पूछा गया है यहाँ पर, तो ये है मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछ लिया है कि पंचायती राज जो है वो भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में लाया गया था, तो राजस्थान के जो है नागौर डिस्ट्रिक्ट में लाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भाषा पे जो है वो पहली बार भाषा पर आधारित जो है ये राज्य है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षक केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, खजुराहो। खजुराहो के बारे में हम देख चुके हैं, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो ओरछा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो पहले जो है वो किस में आता था, टीकमगढ़ में आता था, लेकिन अभी निमाड़ी अलग हुआ है, तो ये निमाड़ी में आता है, तो याद रखना, गलत क्वेश्चन बिल्कुल मत करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हुई थी 1975 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना, 1975 में जो है वो खेल एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना हुई थी। और 2019 में करेंट अफेयर्स से आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो भोपाल में आयोजित हुई थी, भोपाल में आयोजित हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आपका लाइक बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कीमती है, तो अपना लाइक जरूर दिया करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है, तो ये दोस्तों कहाँ पर प्राप्त होता है, ये होता है होशंगाबाद में, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, होशंगाबाद। यहाँ पर जो है वो पचमढ़ी है, जो कि काफ़ी हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, और यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है, इसकी जो है ऊंचाई की बात की जाए तो 1350 मीटर है, ओके। और यहाँ पर होशंगाबाद में एक बाबई जगह है, तो वहाँ से माखनलाल चतुर्वेदी का जो है ये संबंधित है, ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और सिक्योरिटी पेपर मिल का कारखाना जो है ये होशंगाबाद में ही है, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सिंगरौली विभूषण प्रसिद्ध है, तो सिंगरौली जो है मोस्टली किस लिए प्रसिद्ध है, तो सिंगरौली की बात की जाए तो ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, और यहाँ जो है कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोयला क्षेत्र हेतु, और ये सबसे जो है वो पूर्वी जिला है, तो ये हमने बात की है। और यहाँ पर जो है वो भारत की मध्यम रेखा जो है वो गुजरती है, कितनी, 22.5 42 डिग्री, तो ये
काफ़ी पूछ लिया जाता है। और अगर आपसे और डिटेल में पूछ लिया जाए कि जो ऊर्जा राजधानी तो सिंगरौली है लेकिन कौन सी जगह है, तो बेड़न करके जो है यहाँ पर है, तो अगर आपसे डिटेल और थोड़ा ले जाए डिटेल में तो बेड़न करके याद रखना, ये ऊर्जा राजधानी है मध्य प्रदेश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। श्वेत संगमरमर का पहाड़ कहाँ स्थित है? तो श्वेत संगमरमर की बात की जा रही है तो जो कि नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित होते हैं, और ये जो है वो जबलपुर है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ओके, जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और जो भेड़ाघाट है वहाँ पर धुआंधार वाटरफॉल जो है वो बनाती है। और जबलपुर की बात की गई है तो जबलपुर में जो है वो न्याय की नगरी कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है इसको, और यहाँ पर जो है वो रानी दुर्गावती संग्रहालय हुआ, समाधि हुआ, तो ये हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और यहीं पर जो है वो बात की जाए तो अभी OBC का ये आरक्षण की वजह से जो है सभी रुका पड़ा है। खैर ये नहीं और याद नहीं रखना है, और मोस्टली जो है आपको याद रखना है यहाँ के जो जस्टिस हैं वो कौन है, अजय कुमार मित्तल। और जबलपुर जो है वो साक्षरता की बात की जाए तो सबसे अग्रणी जिला है, यानी यहाँ की सबसे ज़्यादा साक्षरता है 81.1%। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोसिल पार्क मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश का जो है वो एकमात्र है जो कि वनस्पति जीवाश्म के लिए जाना जाता है, और ये जो है वो डिंडोरी। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखना पन्ना में पन्ना छतरपुर जो है वो पन्ना नेशनल पार्क पड़ता है, भोपाल में बन विहार है, होशंगाबाद में अभी हमने देखा सतपुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन आरंभ किया गया? तो ये किस वर्ष किया गया? 2004-05 में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डायरेक्टली याद रखना राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन आरंभ हुआ 2004-05 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 19 नवंबर 1985 को। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डायरेक्ट याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरस्कारों से रिलेटेड मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं किसी दिन जो है वो इसको बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा गया है कि कितना जो है वो वर्ग किलोमीटर है, तो आई सभी को पता होगा इसका जो है वो कितना है भाई, 3,08,252। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आसान सा था आपकी जो है वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की लंबाई और नॉर्थ साउथ की लंबाई भी याद रखना है। देखिए नॉर्थ साउथ की पूछी जाए तो 605, और ईस्ट वेस्ट की पूछी जाए तो 870, ओके, तो ये याद रखना है। और बाकी 5 राज्यों से जो है मध्य प्रदेश टच करता है, और यहाँ पर जो है वो कर्क रेखा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 14 जिलों से होकर गुजरती है, ये भी आप याद रखना। और मध्य प्रदेश का जो पूर्वी और पश्चिमी का जो समय अंतर है वो करीबन 34 मिनट का है, तो ये भी आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मालती माधव नामक नाटक रचना किसकी थी? तो ये थी भवभूति की। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डायरेक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य में भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है, गुना में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखना गुना को जो है वो मालवा का प्रवेश द्वार और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो गुना से जो है वो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। एक चीज़ और याद रखनी है, ऐसा कौन सा जिला है जो कि राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है दोनों, तो शिवपुरी याद रखना है क्योंकि गुना के ऊपर ही जो है वो शिवपुरी है, तो ये आप याद रख लेना, ओके। तो ये थे 20 क्वेश्चन, आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप अपना कीमती लाइक और कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना क्योंकि इसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर वीडियो की PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।